नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट अभिषेक के साथ में। आज मैं लेकर आया हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी। आइए शुरू करते हैं कहानी आपके होस्ट अभिषेक के साथ में। शेर और शियार। वर्षों पहले घने जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे लेट कर दंडवत प्रणाम किया। शेर बड़ा हैरान हुआ। जब शेर ने उसे ऐसे करने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप राजा हैं और आप बहुत ही बलशाली हैं। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर उसकी बातों से खुश हुआ और उसने सियार की बातों पर भरोसा करके उसकी बात मान ली और उससे दोस्ती करके उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह शियार भी बहुत ही मोटा हो गया था। शियार रोज शेर की शक्ति को देखता और प्रतिदिन उसके पराक्रम को देख देख वह खुद को भी शक्तिशाली समझने लगा। उसने भी स्वयं को शेर का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने शेर से कहा, दोस्त, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर उस शियार को अपना दोस्त समझता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। लेकिन शियार को समझाया जरूर कि वो ऐसी गलती न करे। उसे हाथी के शिकार से रोका, पर वो शियार बहुत ही घमंडी बन चुका था। वो अपने ही भ्रम में जी रहा था। वह दम्भी शियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करते हुए पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों का एक समूह को देखा। उनको देखते ही वो तीन बार आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सर चकनाचूर हो गया। सियार उसी वक्त मर गया। पहाड़ के ऊपर से शेर सब कुछ देख रहा था। सियार की सारी हरकतें देखकर उसके मन ही मन सोचा, जो मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी ऐसी ही गति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है। इतिहास गवाह है कि बलशाली और शक्तिशाली लोगों के भी पतन का कारण उनका घमंड बना था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और रोचक कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अभिषेक को आज्ञा दें। नमस्कार।